Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sab log gaiye. Hare Krishna, Krishna Krishna. Aapka excitement se pata chale quantum kitchen ga raha hai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jor se gaiye, Shri Matai. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
फिर से हाथ उठाकर सब लोग बोलेंगे मेरे पीछे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे। हरे कृष्ण संकीर्तन यज्ञ की जय, श्री श्री शिवरात्रि महामहोत्सव की जय। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga Haribol. तो आइए प्रणाम करते हैं अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के चरणों में। ओम भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। आप में से जो भक्त 16 माला का जप करते हैं वो कृपा करके हाथ उठाएंगे ताकि पता चले कि यहाँ पर कितने भक्त 16 माला का जप करते हैं, यानी कि ये माना जाए कि लगभग 65% के आसपास 16 माला का जप करते हैं, और 8 माला से जो बाकी बच गए, 8 माला से ऊपर कितने भक्त लोग जप करते हैं, कुछ भक्त और हैं। तो इसका मतलब है कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो बिल्कुल जप नहीं करते अभी, कोई ऐसा भक्त है जिस अभी माला नहीं करता, इसका मतलब सब लोग माला जपा तो करते हैं लेकिन कुछ कम कुछ ज्यादा, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए ये मैं पहले तो आभार व्यक्त करूंगा इस ग्रेस दामोदर प्रिय प्रभु जी का और मनोहर आनंदिनी माता जी का, जिन्होंने मुझे इस सेवा के लिए चुना। मुझ में तो ऐसी योग्यता नहीं है कुछ भी कि जो मैं भक्ति के विषय में आपके सामने कुछ चर्चा कर सकूं, लेकिन जो भी अपने वरिष्ठ वैष्णवों से, गुरु महाराज से, श्रील प्रभुपाद से, भक्तों से सुना है उसी को दोहराने का प्रयास करूंगा। आप भक्तों की सेवा के लिए, सेवा भाव से और प्रसन्नता के लिए। तो देखिए जो हमने आज विषय चुना है आप भक्तों की सेवा के लिए, इस विषय का नाम है वैष्णव भक्तों के संघ का क्या महत्व होता है। अगर हम, चूंकि सारा जो दारोमदार है जीवन का इस पर निर्भर करता है कि आप किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ रहते हैं। अगर मान लीजिए किसी लड़की के लिए लड़का देखना हो तो क्या करेंगे हम, आजकल आमतौर पर देख लेते हैं कितना पैकेज है, मकान कैसा है, गाड़ी है कि नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी है ये देखना चाहिए कि किनके साथ वो बैठता है, किनके साथ रहता है। क्योंकि अगर चरित्रवान होगा तो अगर कुछ मान लीजिएगा धन से उतना नहीं है संपन्न, तो फिर भी कम से कम सुख से जीवन व्यतीत करेगा। तो इसलिए हमारे मनुष्य जीवन में सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है कि हम किनका संग करते हैं, किनके साथ रहते हैं, उसी पर सारा दारोमदार है। अगर आप अच्छे लोगों का संग करते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जब हम पैदा होते हैं तो कोई गाली देता, वो बच्चा पैदा हुआ आज तक, या जिस बच्चे ने बोलना ही शुरू किया एकदम गाली देना शुरू कर दे, नहीं, लेकिन फिर गाली देना या शराब पीना ये सब कहां से सीख लेते हैं लोग। इसका मतलब है कि वो कुछ ऐसे लोगों के संग करना शुरू कर देते हैं स्कूल में, कॉलेज में या कहीं ऑफिस में, कि फिर हम गाली देना सीख लेते हैं, है ना। और आजकल तो कुछ ऐसा है कि कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि वो उसने गाली दी, मतलब इतने यूज हो जाते हैं गाली देने में, उनको बोलना बता रहे आप गाली क्यों दे रहे, अच्छा गाली दी क्या मैंने, वो ध्यान नहीं रहा, मतलब इतना गालियों में रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे इसका सोल्यूशन क्या है, फिर से हम ऐसे लोगों का संग कर ले जो बड़े ही सात्विक वृत्ति में रहते हैं, सज्जन पुरुष रहते हैं और कुछ भगवान का नाम भी लेते हैं, तो फिर से हम एक अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं, फिर हमारे मुख में
क्योंकि जिस जिव्या पर भगवान का नाम आता है उस जिव्या से गाली निकले तो शोभा नहीं देता ना, अपने आप ही रियलाइज कराते हैं फिर भगवान। अरे इसी जिव्या पे मैं बोलता रहता हूँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, और फिर मैं बोलू अरे तेरी तो फिर अपने आप ही मन ये कहेगा नहीं 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 ये शब्द मैं अब नहीं लाऊंगा, है ना। तो संघ का जीवन में बहुत महत्व है। तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपको यहाँ पर आश्रय ग्रुप चलाए जा रहे हैं दामोदर प्रिय प्रभु जी के माध्यम से, तो सब बहुत सौभाग्यशाली है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बेच। इस ब्रह्मांड में कितने सारे लोग चक्कर काट रहे हैं, अगर आप मार्केट में जाइएगा, सरोजनी नगर मार्केट में जाइएगा, कितने लोग आपको बात करते हुए मिलेंगे, कितने लोग खरीदारी करते हुए मिलेंगे। श्री प्रभुपाद कहते थे, इफ यू गो इन द मार्केट यू विल सी द एवरी बॉडी टॉकिंग नॉनसेंस जस्ट लाइक क्रो काउ काउ काउ, नोबडी टॉक्स अबाउट वासुदेव श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी कहते थे आप बाजार में जाइए, सब लोग बात करते हुए मिलेंगे आपको, लेकिन कोई भी भाग्यशाली व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो भगवत चर्चा में मग्न हो। और गीता में भगवान ने बताया है, मत चित्ता मत गत प्राणा गोदयंत परस्परम कथियंत से माम नित्यम तुष्यंती चे रमंती चे। भगवान कहते हैं जिनके प्राण मुझ में बसे हैं, मत चित्ता जिनका चित्त मुझ में बसा है, मत चित्ता मत गत प्राणा गोदयंत परस्परम, वो जब भी किसी से मिलते हैं, जब भी कुछ देर के लिए अवसर मिलता है तो वो कुछ क्या करना शुरू कर देते हैं, भगवान की चर्चा करना शुरू कर देते हैं। बोधियंतर परस्पर कथियंतस्य माम नित्यम, इसे क्या मिलता है उनको, तुष्यंती च रमंती च, उन्हें बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। तो आज संसार में सब लोग आनंद लेना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि बस आनंद आनंद मिले, मजा मिले जीवन में, लेकिन विडंबना क्या है कि वो आनंद लेने की विधि नहीं जानते। सबसे बड़ी समस्या ये है, आप में से कोई चाहता है कि सुबह सुबह ये सोचता हो कि ये भगवान भगवान करे आज मेरी टांग टूट जाए, कोई ऐसा बोलता है सुबह सुबह, या कुछ ऐसा हो जाए जिससे मुझे रोना आए, कोई नहीं चाहता ना, लेकिन फिर भी दुख आ जाते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि हम जो सुख पाने की विधि है उसको नहीं जानते। और द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अर्थात इस्कॉन, श्रील प्रभुपाद ने इसकी स्थापना इसीलिए की कि कोई ये ना कहे कि मुझे अवसर नहीं मिला। जब यमराज की दरबार में जाएंगे शरीर छोड़ करके, आप में से सब लोग जाने वाले हैं कि नहीं, यमराज के दरबार में जाएंगे कि नहीं, शरीर छूटेगा कि नहीं सबका, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि भाई मेरा शरीर नहीं छूटेगा, सबका शरीर छूटना है ना एक दिन। हाँ विष्णुदूत आने चाहिए बिल्कुल, लेकिन विष्णुदूत तब आते हैं जब अंत काले छे मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति से मदभावम याति नास्त्र संशया। अगर आखिरी समय में जब वो सब क्षण आएगा, अगर हमने भगवान को याद कर लिया जैसे अजामिल ने याद किया था, तब तो विष्णुदूत आएंगे। और अगर आपने कुछ और याद कर लिया है, फिर हो सकता है कुछ और भी आ जाए, कुछ लोग देवदूत भी आते हैं, यमदूत भी आते हैं और विष्णुदूत भी आते हैं। तो इस अवसर का लेकिन हमें अब लाभ उठाना है, जो सौभाग्य हमें मिला है, इस सौभाग्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते जिस दिन इसका परिणाम मिलेगा आपको। जब ऐसा अवसर आएगा तो आपको पता चलेगा अरे उन भक्तों का कितना धन्यवाद है कि उन्होंने हमें खींच लिया इस भक्ति में, किसी ने किसी बहाने से, कोई आश्रय मिलन है या कोई आज जन्माष्टमी है या कोई और उत्सव है, किसी ने किसी बहाने से हमें भक्ति में लगाए रखा। ये बहुत सौभाग्य हमें तब पता चलेगा जबकि वो समय आएगा। तो देखिए पहले तो हम चर्चा करते हैं कि भक्ति हम क्यों करें, क्या रीजन है कि क्यों हम भक्ति करें। देखिए महाभारत में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को मनुष्य जीवन 125 करोड़ साल बाद मिलता है। युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं भीष्म देव, जिस समय बाणों की सैया पर लेटे हैं, चर्चा चल रही है आपस में, तो वहां बताया गया है कि तुक्के से ये मनुष्य जीवन नहीं मिला कि तुक्का लग गया और मनुष्य बन गए हम लोग।
सवा करोड़ साल के बाद किसी को मनुष्य देह मिलता है और उसकी तुलना की गई है चंदन की लकड़ी से। चंदन की लकड़ी बहुत कीमती होती है, लेकिन जिसको पता नहीं होता वो क्या करता है, वो चपाती सेकने में उसको गवा देता है। अर्थात मनुष्य शरीर मिला है, बहुत दुर्लभ वस्तु है। दुर्लभो मानुष देहो देहिनाम क्षण भंगुरा, है तो बहुत दुर्लभ लेकिन क्षण में कभी नष्ट भी हो सकता है। तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय ग्रहणा नाम, लेकिन दुर्लभ वस्तु तो मिल गई लेकिन कभी भी नष्ट भी हो सकती है। लेकिन मनुष्य जीवन दुर्लभ है, लेकिन इस मनुष्य जीवन में भी एक और दुर्लभता है, वो क्या है? तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय ग्रहणा नाम, किसी ऐसे व्यक्ति का संग मिल जाए जो कि भगवान का भक्त हो। मनुष्य जीवन मिलना दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ क्या है? किसी भक्त का संग मिल जाए। नहीं तो आजकल तो आप जानते ही हो, इतने सीरियल सीरियल्स आते हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स बने रहते हैं पहले से ही। जैसे आपके साथ में ये देखिए मॉल है है कि नहीं? मॉल नहीं बोलना चाहिए, स्पेलिंग वही है, मल है वास्तव में ना, मॉल और मल की स्पेलिंग एक ही है, लेकिन तुरंत दूषण शुरू हो जाता है। आप वहां प्रवेश करेंगे ना, तुरंत रजोगुण तमोगुण बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि वहां पर रजोगुण का बहुत सारा आइटम्स मिलते हैं। लेकिन उसके साथ में भक्त लोगों में यही साहस होता है, उसके साथ ही अपने हरे कृष्ण सेंटर खोल दिया। ये असली मॉल तो ये है, यहाँ पर माल, असली वाला माल मिलता है। कौन सा वाला? माला माल, माला करते हैं तो माला माल हो जाते हैं हम लोग, है ना? तो आपको माल चाहिए या माला माल चाहिए? मैं पहले कुछ भजन गाता था, पहले जब हरे कृष्णा से नहीं जुड़ा था तो उसमें आता था हरि नाम के राम नाम के कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूट सको तो लूट लो भैया शोर मचाऊं गली गली। तो यहां पर लूट मची हुई है, आप हरि नाम के कृष्ण नाम के राम नाम के कोई भी मोती आप ले सकते हो, और ये मोती ऐसे हैं जो कभी खर्च नहीं होते, खोते नहीं, इसी जीवन के बाद अगले जीवन में भी आपके हाथ में रहेंगे ये मोती। इस संसार में आप हीरे मोती ले लोगे तो कोई और छीन लेगा, जैसे ही मृत्यु होगी कोई और पॉकेट में रख लेगा, है ना? धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए, जो धन दौलत के बनते हैं ना पुजारी वो आखिर में कंगाल हो जाते हैं, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं मिलता। और जो भगवान का पूजा करते हैं आखिर में माला माल हुए। तो वास्तव में हमें समझना है कि हम क्यों भजन करें, क्यों जपा करें, किस लिए बंधे हमें इस जीवन से। देखिए मैंने एक स्टडी की थी कि किस किस योनि में कैसे व्यक्ति की डेथ होती है, कैसे जीव की डेथ होती है। उसमें सबसे घिनौनी डेथ आई है बिच्छू की। इससे पता चलता है कि जो व्यक्ति क्रोधी होता है, जो व्यक्ति एकदम द्वेष ईर्ष्या अपने अंदर भर लेता है, उसकी मृत्यु भी बड़ी दर्दनाक होती है, जो सद्गुण विकसित नहीं करता। तो आप जानते हैं मादा बिच्छू जब बच्चों को जन्म देती है तो उसकी मृत्यु कैसी होती है, कलेजा कांप जाएगा सुन करके भी। मादा बिच्छू जब अपने बच्चों को जन्म देती है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, मादा बिच्छू की पीठ पर चढ़ जाते हैं और उनको कुछ पता नहीं रहता कहां पर जाना है। मादा बिच्छू को ऐसा तो है नहीं कि वो दूध पिलाएगी बच्चों को। वे जो एक मादा बिच्छू चार पांच बच्चे देती है, और वो जो चार पांच बच्चे हैं वो कैसे उनकी मृत्यु होती है माता की, वो बाहर नहीं जाते, पीठ पर चढ़े रहते हैं माता की और डंक मारते रहते हैं, अपनी ही माता को डंक मार करके खाते रहते हैं। ये योनि ऐसी बनाई भगवान ने। और आप अच्छी तरह जानते होंगे किसी को बिच्छू ने काटा है आज तक, आपने यहां जो बैठे हो काटा है, कितना दर्द होता है तुझे? बहुत सा काटा तो लगता है सर। ततैया ने तो काटा हो, ततैया भी काटे तो ऐसा लगता है जैसे गोली मार दी गई हो,
इतना पेनफुल, मुझे काटा है कम से कम 3-4 बार ही। तो जब काटता है तो ऐसा लगता है जैसे गोली मार दी हो, कुछ देर तक तो पता ही नहीं चलता कहां काटा है, लेकिन बिच्छू उससे 100 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। और सोचिए वही बिच्छू के बच्चे अपनी ही माता की पीठ पर चढ़कर, और वो भी एक नहीं 4-5 बिच्छू अपनी माता को कमर में चढ़ करके डंक मार रहे होते हैं, और माता पिलकती रहती है, उनको डांट भी नहीं सकती क्योंकि अपने बच्चे हैं। माता तो माता होती है भले ही कैसी संतान हो। और मृत्यु कब होगी? जब तक कि वो उसके शरीर को खा नहीं जाएंगे, चट नहीं कर जाएंगे। और उसमें स्टडी में बताया गया था कि 3-4 महीने लगते हैं उन बच्चों को, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे होते हैं लेकिन डंक तो उतने पहने होते हैं, और वो उसको खाते रहते हैं, शरीर छूटता है, 3 महीने में तड़प जाती है वो माता। हम सब उस योनि से आ रहे हैं, बिच्छू की योनि से, ऊंट की योनि से, न जाने कितनी योनि से हम भटकते हुए, जैसे मैंने कहा कि 1.25 करोड़ साल बाद किसी को सीनियरिटी के हिसाब से मनुष्य देह दी जाती है। और हम जब मनुष्य बनते हैं तो आंखें खुलती हैं तो हम क्या करते हैं, ईट ड्रिंक एंड बी हैप्पी, खाओ पियो मजा करो। अरे लेकिन ये भतलब पीछे पड़ गए ना, ये समस्या है। ये हमने जो माला पहन ली है ना, थैली माला ले ली है, ये गले में फांसी का फंदा ले लिया, ये पता नहीं भक्तों ने बोल तो दिया हाँ माला करूंगा, लेकिन ये माला ही हमें बचाएगी, ये माला ही हमें इस जन्म मृत्यु की यात्रा से हमें बचाएगी। जैसे मैंने कहा वो तो माला माल हुए, जो माला करता है वो माला माल होता है, क्योंकि ये धन कोई छीन नहीं सकता। इसलिए अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं, हे धनंजय तुम असली धन के विजेता हो, तुमने मुझे जीता। तो इसलिए हम भक्तों को बहुत गंभीरता के साथ सोचना चाहिए। जैसे कव्वे की योनि देखिएगा, चमगादड़ की योनि देखिएगा, चमगादड़ की योनि में आप जानते हो क्या खाया जाता है, चमगादड़ क्या खाता है, कोई जानता है आपने से? यस ब्रो, हाँ इनके 2:30 बजे पूजे के लिए, हरि बोल। अपना ही मल त्यागता है, अपना ही मल खाता है। हम इस योनियों से आ रहे हैं यहां पर, पर सोचिए मनुष्य देह में अगर ये कहा जाए कि आपको अपना ही मल खाना पड़ेगा तो इससे बढ़कर कोई सजा नहीं हो सकती जीवन में। लेकिन हम सब भगत चुके हैं। ये कुत्ते की योनि होती है, कुत्ता जा रहा है, 3-4 कुत्ते पकड़कर उसको भार डालते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं शरीर में, वो जहां जाता है सब डंडा मारकर भगाते हैं। आप इतना बड़ा आश्रय महामिलन आप भक्तों ने किया है, सब मनुष्य ही आए हैं ना यहाँ पर, कोई ऐसा तो नहीं कुत्ता आ गया हो, कुत्तों को भी बुलाया गया हो, बिल्ली को बुलाया गया हो, चूहों को बुलाया गया हो। क्यों? क्योंकि मनुष्य देही एकमात्र ऐसी योनि है जो समझ सकती है, भगवान को जान सकती है। लेकिन इस योनि में आकर के हम लोग ऐसे ऐसे कामों में हमें खींच लिया जाता है कि फिर हम अपना सारा समय उसमें लगाते हैं। तो इसलिए हमने कुछ श्लोक चुने हैं आप भक्तों की सेवा के लिए, जैसा मैंने कहा। तो आप इस श्लोक को मेरे साथ उच्चारण कीजिएगा। भक्तों की संघ का क्या महत्व है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, आपका आज का कार्यक्रम सफल हो जाएगा, आपका आना सफल होगा। और वो भी श्रीमद् भागवतम से। पहले एक श्लोक है 1813 क्षमा कीजिएगा, यस 1813। देखिए इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है, 1718 क्षमा कीजिए, 118 है ना कि 18। 118 अगर आपके पास श्रीमद् भागवतम है तो आप निकाल के देखिएगा, ये श्लोक क्या कह रहा है। भक्तों के संग इतना बड़ा महत्व सोच भी नहीं सकता कोई कि इतना बड़ा महत्व भी हो सकता है क्या भक्तों का। ये देखिए 13 नंबर आ गया। इस श्लोक में कहा जा रहा है, तुलियां लवे ना पीना स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मृत्यानाम की मुताशीषः।
ध्यान से सुनिएगा, बल्कि आप दोहराइएगा ये श्लोक, भगवत भक्त के साथ, सभी लोग दोहराइए जो पीछे चेयर्स पर भी बैठे हैं, भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना ना तो स्वर्गलोक की प्राप्ति से ना भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती है। तो फिर उन सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक संपन्नता के रूप में होते हैं और मृतों के लिए हैं। देखिए, स्वर्ग लोक में कोई पहुंच जाए, कुछ भी नहीं है उसके सामने, अगर आप किसी भक्त के संग बैठ गए हो, ये किसका कहना है? हमारे सनातन वैदिक धर्म में जो सबसे बड़ा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत उनका गुणगान में कहा गया है, निमंगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणा नाम इदम तथा। नदी जितनी भी बह रही है, सारी नदियां समुद्र की ओर, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा देवी। निमंगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा, सारे देवताओं में सबसे बढ़कर देवता कौन है? अच्युत अर्थात भगवान श्री कृष्ण। और वैष्णव नाम यथा शंभु, और भगवान के भक्तों में सबसे बढ़कर कौन है? भक्त वैष्णव नाम यथा शंभु, जिनका की आज मैरिज एनिवर्सरी है। शिवरात्रि का मतलब होता है आज के दिन शिव जी का विवाह हुआ था। कुछ लोग सोचते हैं शायद शिव जी का जन्म हुआ होगा, नहीं, जन्म वो वाला होता है जब लोग गंगा जी से वो लेकर आते हैं ना, कावड़ जो लेकर आते हैं, उस दिन शिव जी का जन्मदिन होता है। और आज के दिन शिवरात्रि में, रात्रि इसलिए क्योंकि शादियां रात में होती है ना आजकल भी, तो आज के दिन शिव जी का बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी है एक्चुअल में। तो वैष्णव नाम यथा शंभु और पुराणा नाम इदम तथा, सारे पुराणों में सबसे बढ़कर है श्रीमद् भागवत, उसमें ये बात कही जा रही है कि किसी भक्त का संग, क्योंकि दर्शन पवित्र करो यही तो मार गुण, गंगा जी में कोई बार बार स्नान करे तो शुभ होगा, लेकिन वैष्णव संग वैष्णव स्मरण से तुरंत हम पवित्र हो जाते हैं। अगर हमारा मन मान लीजिएगा दूषित है, अच्छा से चिंतन नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वैष्णव का स्मरण करने लग जाओ, गुरु जी का स्मरण करने लग जाओ, किसी भक्त का स्मरण करने लग जाओ जिसने आपको भक्ति में लगाया, आपका मन थोड़ी देर में एकदम शुभ हो जाएगा। तो दर्शन पवित्र करो यही तो मार गुण। और ये जो श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, ये भागवत में दो बार आता है। देखिए, जब जो मैंने श्लोक पढ़ा, क्योंकि वैष्णव एसोसिएशन पर बहुत बल दिया गया है, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि भक्तों के संग का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर हम केवल इसको भी पकड़ के रखेंगे ना कि हम केवल भक्तों का संग कर लेंगे, तो भक्त लोग अपने आप आपको भक्ति में लगा देंगे। श्री विष्णु चतुर्थी ठाकुर माधुर्य कादंबरी में बताते हैं भक्ति मिलती कैसे है। कई लोगों को तो ये कहना है कि अरे आप हमारे भाग्य में नहीं है, और भगवान की इच्छा होगी तो हम भी भक्त बन जाएंगे, ऐसा बोलते हैं वो लोग। आपके ऊपर तो भगवान की कृपा है, हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। इसका मतलब है कि भगवान पक्षपात करते हैं, किसी पर कृपा करते हैं किसी पर नहीं करते। नहीं, भगवान बोलते हैं गीता, नमे विदु सम्मोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषोस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मैं तु तेषु चाप्यहम्। भगवान बोलते हैं कि मैं सबके प्रति समान भाव रखता हूं, सम्मोहम सर्वभूतेषु ना मे द्वेषो अस्ति ना प्रिय, ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूं और ना मेरा कोई प्रिय है, लेकिन ये भजन्ति तु मां भक्त्या मैं तु तेषु चाप्यहम्। तो जो भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करता है उसका मैं पक्ष जरूर ले लेता हूं। तो कहने का तात्पर्य, भक्ति मिलती कैसे है? विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर बहुत बड़े आचार्य हुए हमारे वैष्णव परंपरा में, वो बता रहे हैं कि भक्ति ना तो भाग्य से मिलती है कि आपका भाग्य अच्छा है उनका भाग्य खराब है, भक्ति भाग्य से नहीं मिलती। इसका मतलब भाग्य भक्ति से बड़ा हो गया फिर तो नहीं। दूसरा कारण बताते हैं कि भगवान की कृपा होगी तो भक्ति मिल जाएगी,
नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। इसका मतलब भगवान पक्षपात करते हैं? नहीं, भगवान पक्षपात भी नहीं करते। फिर भक्ति पुण्य से मिलती होगी? नहीं। इसका मतलब पुण्य भक्ति से बड़ा हो गया? नहीं। भक्ति मिलती है भक्तों से। किससे मिलती है? विश्वनाथ चौधरी ठाकुर बताते हैं इस बात को कि भक्ति मिलेगी भक्तों से, भक्तों के सामने झुकना पड़ेगा। भक्ति की तुलना की गई है राजमहल से। किससे? इस राजमहल में, लेकिन दरवाजे थोड़ा छोटे छोटे हैं। राजमहल तो है भक्ति का, लेकिन रेंग कर इसमें घुसना पड़ता है। अगर आप इस भाव से भक्तों के संपर्क में आओगे कि प्रभु जी मुझे भी थोड़ा जोड़ लीजिए, मुझे भी थोड़ा भगवान की सेवा में लगा लीजिए, बड़ा दुख पा रहा हूं संसार में, सुख शांति नहीं है जीवन में, तो आपको भक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कहोगे कि जितना आप जानते हो ना इतना तो हम भूल गए, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने अरेंज किया था एक स्थान में, तो वहां पर अमोघ ने अपन को बुलाया। मैंने कहा प्रभु जी बहुत जाने पहचाने भक्त हैं, तो 500 भक्त आए वहां पर। लेकिन जब वो पंडाल लगाया तो हमने कहा कथा होगी, यहाँ थोड़ी देर बैठ जाओ सुन लो कथा। उन्होंने कहा जितना ये पंडित जी जानते ना इतना तो हम पांचवी क्लास में भूल गए थे, उनका ये कहना था। तो देखिए कोई नहीं बैठा, सुनने के लिए बैठा ही नहीं, तो फिर कहां से मिलेगी भक्ति? क्या हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी डोर बेल बजेगी और भगवान कृष्ण खड़े होंगे हाथ जोड़ करके, देखो मैं भगवान हूं, कृष्ण नाम है मेरा, और आप मेरी भक्ति चालू कर दोगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा? कैसा हो सकता है हमारे जीवन में? भगवान को कोई चिंता नहीं है, भगवान सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, लाभ उठाना हमारा कार्य होना चाहिए। इसलिए भगवान जानते हैं क्या बोलते हैं, साधवो हृदयमयम साधुनाम दयन्तम नामदनंत जानन्ति नाहंति भ्रमणागतिहि। दुरासा मुनि जब पहुंचे, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र लगा हुआ था, अम्बरीश महाराज से कुछ क्लैश हुआ था, तो दुरासा मुनि जाकर भगवान को कहते हैं मुझे बचाओ, आपका सुदर्शन चक्र मुझे मार रहा है, मुझे समाप्त कर देगा। भगवान क्या बोले, साधवो हृदयमयम साधुनाम हृदयम नाम बदनते जानती नाम ते बे मना गपे। साधु मेरे हृदय में रहते हैं, जो भगवान के जो मेरे भक्त हैं वो मेरे हृदय में रहते हैं और मैं उनके हृदय में रहता हूं। मेरे भक्त मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त कुछ नहीं जानता। तो अगर तुम्हें क्षमा मांगनी है दुर्वासा मुनि, तो जाओ मेरे भक्त से ही क्षमा मांगो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव को 11वें स्कंद में, हे उद्धव, ना तो ब्रह्मा जी, ना शिव जी, ना लक्ष्मी, यहां तक कि मेरी पत्नी, ना शेषनाग, कोई भी, यहां तक कि मेरी बाई भुजा भी अगर मेरे भक्त का अपराध कर दे तो मैं अपनी बाई भुजा भी काट दूंगा। मैं अपने भक्तों का ऋणी हूं, क्योंकि मेरे भक्त क्या करते हैं मुझे कौन जानता है, मेरे भक्त मेरा प्रचार करते हैं। और आपने गीता में भी सुना होगा कि जो इस दिव्य संदेश को बांटता है उससे कोई प्रिय ना तो है ना होगा। तो हम सबको भगवान की योजना में अपनी योजना मिक्स कर देनी चाहिए अगर हमें भगवान का प्रिय बनना है तो। इसलिए आदि पुराण में भी कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जो ये कहता है मैं भगवान का भक्त हूं, मैं उसे अपना भक्त नहीं मानता। जो ये कहता है मैं भगवान के भक्त का भक्त हूं, वास्तव में वो उसे मैं अपना भक्त मानता हूं। ठीक है, तो ये विज्ञान, ये विशिष्ट ज्ञान हम भक्तों को अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक भक्त मिलता है जिसका नाम था कालिदास। आपने नाम सुना है? वो वाले कालिदास नहीं जो बहुत ज्यादा समाज में प्रचलित है, एक रघुनाथ दास गोस्वामी के चाचा जी थे, उनका भी नाम था कालिदास। उनका नियम था, देखिए क्या अद्भुत भक्त थे वो, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। उनकी योजना थी कि मैं तो भगवान को जानता नहीं, भगवान है भी कि नहीं है, मैं भगवान के भक्तों से बहुत प्रेम करता हूं और इतना प्रेम करता हूं कि मुझे उनका झूठा मिल जाए बस। क्योंकि माता पिता बच्चे को झूठा खिलाते हैं ना, किस लिए? ताकि हमारे गुण हमारे बच्चे में चले जाएं। हम भगवान का झूठा खाते हैं किस लिए? ताकि भगवान के गुण हमारे अंदर आ जाएं।
कालिदास का नियम था कि मैं भगवान का कोई भी भक्त नहीं बचना चाहिए जिसका झूठा मुझे ना मिले। तो वो जब जैसे आज फंक्शन है यहाँ पर सब लोग अपनी प्लेट लेंगे, तो वो क्या करता था जब सब पिसाल ले चुके होते थे तो देख लेता था ये प्लेट उन्होंने डाली, वहां से थोड़ा चख लेता था, थोड़ा थोड़ा चखता रहता था सबका। कोई भक्त नहीं बचना चाहिए, सारे भक्तों के दिव्य गुण मुझमें आने चाहिए। तो एक उस शहर में एक भक्त था जो झाड़ू लगाता था अर्थात बन्नी का कार्य करता था। तो यहां पर यह समझना भी आवश्यक है कि ब्राह्मण जात से नहीं होता, कर्म से होता है। भगवान ने गीता में कहा है चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में, चतुर क्या है वो श्लोक, किसको याद है ये श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। यस माता जी बताइए, ये बता नहीं, चातुर्वर्ण मया सिस्टम, जो चार वर्ण है ना वो वाला। यस माता जी के लिए ताली बजाइए, ये श्लोक हमें याद करना चाहिए ताकि हम समाज में कुछ बदलाव ला सकें। चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, अर्थात गुण और कर्म के आधार पर निश्चित होता है कि ये व्यक्ति ब्राह्मण है या नहीं है। लेकिन आज हमारे नेताओं ने क्या कर दिया कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहेगा, जो शूद्र है वो शूद्र ही रहेगा, ताकि वोट हमें मिल सके, है ना। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं बनाया नियम। तो झंडू ठाकुर जो भंगी था, जो झाड़ू लगाने का काम करता था, वो वैष्णव था, भगवान का शुद्ध भक्त था, माला जपा करता था, सारे नियमों का पालन करता था, जन्म हुआ था ऐसे घर में जहां पर भंगी का कार्य किया जाता है। तो कालिदास ने सोचा एक ही व्यक्ति रह गया, अब इसका झूठा खाना, बाकी सबका खा चुका हूं मैं। वो उसके घर में गया आम लेकर के, और जाकर के झंडू ठाकुर जानता था ये सबका उच्छिष खाता, मैं अपना उच्छिष नहीं दूंगा। तो सारा दिन बातचीत में लगे रहे, कृष्ण कथा करते रहे, और कालिदास सोचता रहा कैसे इसको। तो झंडू ठाकुर ने खूब वार्ता कर ली, तो बाहर छोड़ने गए कि चलो आपको छोड़ के आता हूं, काफी दूर तक छोड़ने गए कहीं ये वापस ना आ जाए और मेरा झूठा ना खा ले। और कालिदास सोच रहा था कि आम ये खाए और ये उसका जो थोड़ा सा झूठा मुझे मिल जाए। तो जानते क्या हुआ, कालिदास दूर तक जाकर के वो छोड़ के झंडू ठाकुर आ गया, घर में शाम हो गई थी, सुबह के गए हुए, और कालिदास छुप गया वहीं पास में ही। और जब दोनों पति पत्नी ने दौड़ कर वापस आ गया, सुनने लगा अंदर क्या वार्ता हो रही है, पति पत्नी बातचीत कर रहे थे, चला गया कालिदास, उसी का डर था हमारा कहीं झूठा ना खा ले वो, क्योंकि वो सबका उच्छिष्ट खाता है, लाओ आप लाओ आम, भगवान को भोग लगाते हैं और खाते हैं। और कालिदास बाहर चुपचाप सुन रहा था, और सारे आम खाकर उन्होंने छिलके गुठली बाहर फेंक दिए, पहले कूड़ादान घर के बाहर होता था, और दरवाजे बंद करके सो गए। और कालिदास आया और नेत्र में आंसू भर भर करके, सारे आम और छिलके और गुठली को खूब जूस पिया। इसका पुरस्कार जानते क्या मिला, जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे, तो जगन्नाथ जी का जब दर्शन करने जाते थे, तो वहां पर एक आज भी है वो गड्ढा जहां पर चैतन्य महाप्रभु के चरण धोए जाते थे, और उस जल को कोई ले नहीं सकता था। भगवान चैतन्य का ये आदेश था कि इसको कोई लेगा तो उसको सजा दी जाएगी। तो एक दिन क्या हुआ, जब उन भगवान के चरणों को धोया जा रहा था, पीछे से कालिदास आ गया और उसने हाथ ऐसे कर दिए। और भगवान बहुत गुस्सा करते थे जब उनके चरणों का जल थोड़ा कोई पी ले। कालिदास आया, भगवान के चरण धोए, उसमें अंजलि भर ली और पी गया। और भगवान ने देखा, सब सोच रहे थे आज इसकी शामत आ गई है, आज इसकी पिटाई होगी, लेकिन भगवान ने उसे अलाउ कर दिया। फिर दोबारा से भगवान के चरण धोए गए, दोबारा अंजलि भर ली और फिर से पी गया। और भगवान देख रहे हैं, फिर तीसरी बार जब चरण धोए तो भगवान चैतन्य बोले, बस कालिदास बस और नहीं। सारे भक्त सोच रहे थे आज भगवान ने डांटा क्यों नहीं इसको। तब भगवान ने बताया कि वास्तव में इसने मेरा कलेजा सारा का सारा छीन लिया है अपनी भक्ति से, क्योंकि मैं जिस गांव में कोई एक व्यक्ति भी भजन करता है उस गांव के कुत्तों को भी मैं प्रेम करता हूं, और इसने तो सारे भक्तों का झूठा लिया है, मेरे भक्तों का ये कितना सम्मान करता है, तो इसलिए इसको अलाउ किया गया है। ऐसे रसिकानंद प्रभु का नाम किस किसने सुना है आपने से? रसिकानंद प्रभु हमारी परंपरा में बहुत बड़े आचार्य हुए। देखिए
उनका नियम था, उनका क्या नियम था, ये देखिए ये कलयुग है वास्तव में, तो क्योंकि कृष्ण कथा इतनी महत्वपूर्ण है, कुरुक्षेत्र के मैदान में भी अर्जुन को जब गीता सुनाएगी तो ऐसा ही माहौल था, हाथी चिंगार रहे थे, कुछ संघ भेज रहे थे, लेकिन अर्जुन बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तब आपकी परीक्षा की आप कौन सी बात सुन पाओगे, यही यही है कलयुग, ठीक है। तो वहां पर भी शायद डांस नहीं तो हो रहा होगा ना प्रभु जी, यस कोई बात नहीं। रसिकानंद प्रभु का नियम था, बहुत सिद्ध भक्त थे, उन्होंने एक टैंकी रखी हुई थी अपने घर में, जितने भी वैष्णव आते थे सबके चरण धोए जाएं, उनका आदेश था उनके संगियों को, और वो जल इस टैंकी में भरा जाए। जानते क्या हुआ, और जब इस जल को पीती थी तो बड़ा आनंद मिलता था, बड़ा आनंद मिलता था। तो एक दिन क्या हुआ, एक कोढ़ी वहां पर आ गया, एक कोढ़ी वैष्णव था, वो वहां पर आ गया। अब जो उनके असिस्टेंट थे सबके चरण धोकर टैंकी में भर दिए, एक कोढ़ी को चरण नहीं दिए कि हमारे गुरु जी कोढ़ के कारण क्या पिएंगे इसको। तो जब रसिकानंद प्रभु ने पान किया उसका, रसिकानंद प्रभु बोले आज मजा नहीं आ रहा इसमें, ये जो चरणों चरणों का धोया जल है इसमें मजा नहीं आ रहा। तो अपने असिस्टेंट को बुलाया, क्या कोई ऐसा वैष्णव है जिसका तुमने चरणों का जल नहीं पान किया इकट्ठा किया उसमें। तो उनके असिस्टेंट ने बताया जी गुरु जी। तो बोले क्यों नहीं किया, कहने लगे उनके शरीर में ना क्रोध था, क्रोध के कारण हमने इनके चरण नहीं धोए। तो रसिकानंद प्रभु ने कहा जल्दी जाओ उस वैष्णव के चरण धोकर के जल डालो इसमें। जब असिस्टेंट ने जल लिया और इसमें डाला और जब पान किया तो रसिकानंद प्रभु बोले हाँ अब बिल्कुल सही है, अब बिल्कुल सही है, पूरा स्वाद है इस जल के अंदर। देखिए ये है वैष्णव भक्ति की विज्ञान, वैष्णव साइंस। क्योंकि चैतन्य भागवत में कहा गया है शूल पाणी जदि वैष्णव निंदा करे भागवत प्रमाण तुरंत मरे। अगर आपको अपनी भक्ति मजबूत करनी है, अगर आप अपनी भक्ति को सफल करना चाहते हो तो आपको वैष्णव के साथ रहना सीखना पड़ेगा। पोपा जी लिखते हैं कि हमें वैष्णव के साथ रहना सीखना चाहिए, वैष्णव के साथ कैसे रहा जाता है। क्योंकि एक्सीडेंट किस, एक दो कार जा रही है मान लीजिएगा, कौन सी कार से एक्सीडेंट होगा, एक कार का, जो कार एक किलोमीटर आगे जा रही है या जो पास में जा रही है, कौन सी वाली कार से होगा, पास वाली से होगा ना। तो वैष्णव में क्या होता है, जब हम वैष्णव के संग में आते हैं ना और वहां पर डर रहता है वैष्णव अपराध का। हमारे गुरु महाराज का एक पत्र है, उसमें प्रभुपाद को चिट्ठी लिख रहे हैं, एक एक प्रभुपाद मैं हमेशा डरता रहता हूं कि किसी वैष्णव के प्रति मेरा अपराध ना हो जाए, क्योंकि भगवान जो है वैष्णवों का कभी भी स्वीकार नहीं करते अपराध। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गए वहीं पर आपकी भक्ति नीचे चली जाएगी, आपको जपने आनंद नहीं आएगा, आपको कथा सुनने में आनंद नहीं आएगा, बहुत सारी बाधाएं आ जाएंगी। तो प्रभुपाद ने लिखा उत्तर, गोपाल कृष्ण ये बहुत अच्छी स्थिति है, हर भक्त को ऐसे ही सोचना चाहिए। तो हमें वैष्णवों का सम्मान करना सीखना चाहिए, वैष्णवों का संग करना चाहिए, उनको हमेशा अपने से ऊंचा रखना चाहिए। जैसे मैं जब यहां पर आया था तो प्रभु जी मेरा गुणगान कर रहे थे, जबकि मुझमें कोई योग्यता नहीं है, लेकिन वैष्णवों का स्वभाव होना चाहिए ऐसा कि दूसरे वैष्णवों का गुणगान करे। वैष्णव क्या है, तारे दुख दुखी तारे सुख सुखी, वो वैष्णव है। जैसे नरसिंह मेहता ने भजन गाया, किसी को याद है नरसिंह मेहता ने भजन लिखा, वैष्णव जन ते तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वो वैष्णव है जो दूसरे के दुख को देखकर के दुखी हो जाता है। ऐसा सिद्धांत आज समाज में नहीं सिखाया जा रहा है ना, आजकल तो वैसे दिखाया दूसरे को दुखी देख करके हम सुखी होते हैं, दूसरे को सुखी देख करके हम दुखी हो जाते हैं, उल्टा हो जाता है। लेकिन वैष्णव जो होता है इस प्रकार से होता है। तो आप भक्तों को गंभीरता के साथ, जैसा मैंने योनियों का उदाहरण दिया था बिच्छू का, हम वो गलती ना करें जो एक गलती कौवे ने की थी,
एक कौवे ने क्या गलती की थी, एक बार एक कौवा उड़ता हुआ जा रहा था और उसको क्या हुआ कि एक लाश पानी में बहती दिखाई दे गई और कौवा उड़ करके उसके ऊपर बैठ गया और कौवा जब खाने लगा उस लाश को तो उसने सोचा अरे अब इधर उधर क्या जाने, अब आराम से भोजन मिल गया है, अब इसी में मगन हो जाता हूं। लेकिन वो लाश पानी के द्वारा बहती बहती नदी के बहती बहती समुद्र में चली गई और समुद्र में जाकर के अंदर काफी चली गई और कौवे ने ऊपर नजर उठा के देखा ही नहीं। उसी प्रकार से हम लोगों को जो भौतिक संसार में सुविधाएं मिल जाती है ना, बैंक में पैसे आ जाए, कार खरीद ली जाए, मकान बन जाए, कुछ बच्चों की जॉब लग जाए, तो हम लोग भी नजरें उठाकर देखते नहीं थे कि कैसे मेरा समय बीत रहा है। और जब वो कौवे उस लाश पे बैठा बैठा समुद्र के बीच में चला गया, वहां जाकर उसने देखा कि लाश जो खा रहा था वो खत्म हो गई है और कौवा जो उड़ता है ना वो ज्यादा दूर तक उड़ान नहीं भर सकता। उसने देखा कि अब मैं उड़ करके बाहर कैसे जाऊं और उसकी आंखों में आंसू आया और वहीं उसने दम तोड़ दिया। तो हम वो गलती ना करें, अगर आज हमारे पास जवानी है, आज हमारे पास धन है, तो हम ये नहीं सोचे कि ये ऐसा रहेगा, ये दिन धीरे धीरे छीन रहे। सुखदेव गोस्वामी भागवत में बोलते हैं यू आर डूइंग योर बिजनेस बट सन इज ऑल्सो डूइंग हिज बिजनेस, सनराइज इज इन द मॉर्निंग एंड सेट इन द इवनिंग एंड ही इज स्नैचिंग वन डे फ्रॉम योर लाइफ, ही इज ऑल्सो डूइंग बिजनेस। तो सूर्य भी व्यापार करता है, रोज सुबह निकलता है शाम को छिप जाता है और एक दिन आपकी उम्र में से चुरा लेता है और आपको कुछ आभास नहीं होता। मान लीजिएगा आपके पास एक संदूक रखी है, हाँ? और उसमें बहुत सारे नोट हैं और एक चोर आए आपकी आंखों के सामने आए चोर और एक नोट रोज निकाल के जाए और आपको कोई बात नहीं एक नोट ले गया ना कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत है मेरे पास। लेकिन एक दिन क्या है पूरी संदूक खाली उस दिन आप हाय 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 चिल्लाए तो ये मुरकता है या अच्छी बात है मुरकता है ना। वही कार्य सूर्य कर रहा है जो सोचते हैं अभी तो मैं 30 साल का हूं, कोई सोचता है मैं अभी तो 50 साल का हूं, मुझे 20-30 साल और पड़े हैं। लेकिन रोज एक दिन आपका कम हो रहा है। जिस आदमी की उम्र 60 साल है मान लीजिएगा और मान के चले कि 70 साल आयु हो एवरेज, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, अब 10 साल और जीना है तो कितने महीने में बचे 10 साल में 120 महीना, 120 महीना अभी अभी ये फरवरी का महीना कल खत्म हुआ है, एक महीना ऐसे चला गया। हमने सोचा कि अब मेरा कुछ लॉस हुआ, किसने आपने ऐसे सोचा है कि एक महीना चला गया मेरी आयु से, हम सोचते क्या फर्क पड़ता है, चला गया फरवरी मार्च आ गया, अब मार्च में होली आएगी फिर डांस करेंगे फिर नाचेंगे गाएंगे मजा करेंगे और वो होली के जो व्यंजन आएंगे वो खाएंगे, है ना। लेकिन सूर्य तो अपना काम चुपचाप कर ही रहा है। उस दिन हम हाय हाय करेंगे जिस दिन हमारी तिजोरी की जो आयु की जो तिजोरी है उस दिन खाली हो जाएगी, उस दिन हम कहेंगे हाय हाय अरे अच्छा बड़ा था यहां बैठा था अभी चला गया वो छोड़कर। पहले हाय हाय क्यों नहीं की जब एक एक नोट जा रहा था, तब हम नहीं करेंगे ना। तो ये जो अवसर मिल रहा है, ये जो भक्तों की मेहनत है, ये सफल होनी चाहिए। अगर ये मेहनत सफल तब होगी जब हम भक्ति के अवसर का लाभ उठाएंगे, जब हम गंभीरता के साथ रोज भगवत गीता या श्रीमद भागवतम को पढ़ेंगे। हमारे गुरु महाराज कहते हैं जो भक्त रोज पढ़ते हैं सेल्फ स्टडी करते हैं उनकी बुद्धि पैनी हो जाती है, ये गुरु महाराज के लेक्चर में अक्सर मिलेगा आपको, उनकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। जैसे दो लकड़ हारे थे वो लकड़ी काट करके लाते थे और बेचते थे उसी से कमाते खाते थे, लेकिन एक लकड़हारा क्या करता था अपने उस काटने की कुल्हाड़ी को रोज पहना करता था रोज पहना करता था और दूसरा आकर के फेंक देता था कुल्हाड़ी को और अपने एंजॉय करने लग जाता था। उतना ही समय उसको 8 घंटे में उसको मिलते थे उतना ही समय उसको मिलता था, लेकिन जो रोज पैनी करता था अपनी कुल्हाड़ी को उसको ज्यादा धन मिलता था। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा लकड़ी काटता था, उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो ज्यादा पैनी थी, उसको ज्यादा सैलरी मिलती थी। और जो पैनी नहीं करता था वो सारा दिन लग करके भी थोड़ी सी, तो हमारी जो इंटेलिजेंस है वो शार्प कब होगी?
स्टडी मेक्स मैन परफेक्ट। तो हमें डेली आप भक्तों से ये भिक्षाटन है कि आप भक्तों के संपर्क में आ गए तो इसका लाभ तब मिलेगा जब आप ईमानदारी के साथ रोज आधा घंटा, कम से कम एक घंटा पढ़े तो बहुत अच्छा है, लेकिन आधा घंटा रोज भगवद गीता को पढ़ेंगे और कुछ समझ में नहीं आए, जब कक्षा होगी तो आप उनसे पूछेंगे, तब तो लाभ है। हिंदी का लेक्चर है प्रभुपाद का, आप सुन सकते हैं प्रभुपाद जी के शब्द। प्रभुपाद जानते क्या बोल रहे हैं, एक खाली मंदिर में आने से काम नहीं चलेगा, एक खाली मंदिर में आने से बात नहीं बनेगी, पुस्तक पढ़ना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, देखिए हिंदी के लेक्चर में बोल रहे हैं, आपको पुस्तक पढ़ना पड़ेगा। तो आप ईमानदारी के साथ आप क्या करें, शाम का समय हो चाहे सुबह का समय हो, आधा घंटा रोज या तो भगवद्गीता या श्रीमद भागवतम या चैतन्य चरितामृत इसको पढ़े, आपकी बुद्धि पहनी होगी उस कुल्हाड़े की तरह से, वो ज्यादा लकड़ी काट सकता था, ज्यादा समझ आपके पास होगी, डिसीजन मेकिंग पावर होगी। जब जब आपका मन आपके ऊपर हावी होगा, दुखी करेगा, आप उस ज्ञान के माध्यम से मन को परास्त कर दोगे। लेकिन अगर आप कुछ पढ़ोगे नहीं, भक्तों ने चलो इकट्ठा कर लिया, मेला है, मेले में चले गए, आपने सुना होगा ना दुनिया का मेला, मेले में सब आते हैं चले जाते हैं, मेले में ना खो जाइएगा। इसलिए भगवान की उंगली पकड़ के जो बच्चे रखते हैं ना, मान लीजिए बहुत बड़ा मेला है और किसी बच्चे ने अपने पिता की उंगली पकड़ के रखी है, कितने भी बच्चे को झटके लगेंगे अगर वो मेले को पार कर रहा है, कितने भी झटके लगेंगे, लेकिन अगर बच्चे ने पिता की उंगली पकड़ के रखी तो मेला वो पार जरूर कर जाएगा बच्चा। लेकिन अगर उसने उंगली छोड़ दी तो मेले में खो जाएगा। हम नहीं चाहते कि इस्कॉन सरोजनी नगर में आने वाला कोई भी भक्त इस मेले में खो जाए। इस मेले में खोना नहीं, इस मेले में पकड़ के रखना, सीख के रखना है। और क्या है वो शिक्षा, रोज आधा घंटा अपने भगवद्गीता को निकालिए, कुछ भगवद्गीता पढ़ लीजिएगा 10 मिनट, कुछ 20 मिनट भागवतम को पढ़ लीजिएगा, तो आप इस कार्यक्रम में लाभ पूरा का पूरा उठा सकते हो आने का। और अगर आपने ये नहीं किया, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे जो टीचर ने पढ़ा दिया, जाते बैंक फेंका और फिर घर में जाकर के खेलने लगे, छोड़ो, वो स्टूडेंट जब एग्जाम आएंगे तो बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। और एग्जाम आएंगे हमारे, आप जानते हो जब एग्जाम संसार में होती तो डेटशीट आउट हो जाती है ना, कि आपका सेंटर यहां है, इस दिन एग्जाम देना है, बस क्वेश्चन पेपर आउट नहीं होता। लेकिन इस एग्जाम में, आध्यात्मिक एग्जाम में उल्टा है, इसमें क्वेश्चन पेपर पहले से आउट है कि आपको आखिरी समय में क्या करना है, अंत काले छे मामेव स्मरण मुक्त कलेवरम, लेकिन डेटशीट अनाउंस नहीं है कब एग्जाम होगा, और ये अनाउंस नहीं है एग्जामिनेशन हॉल कहां पर बैठना होगा उस समय, ना तो डेट शीट है और ना एग्जामिनेशन हॉल है, हमें एग्जाम देना जरूर है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें एग्जाम के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और वो वही होंगे जो नियमित रूप से अध्ययन करेंगे जो विद्यार्थी। तो हमारे गुरु महाराज भी यही कहते हैं कि आपको एक श्लोक तात्पर्य के साथ पढ़ना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, तब तो लाभ है इस कार्यक्रम में आने का। और अगर आपने घर जाकर के जो कर रहे थे वही करेंगे, भक्तों का जो काम है बोलना और सबकी सुनो, जो ज्यादा समझदार होते हैं वो पता क्या कहते हैं, सबकी सुनो करो अपने मन की, है ना, उन लोगों का तो काम है। ये डायलॉग भौतिक संसार में चलता है, आध्यात्मिक संसार में नहीं चलता। जो मन की करता है वो क्या बन जाता है, मंकी होता है वो, मंकी कर रहे हैं तो मंकी का ही कार्य होता है। तो इसलिए आप सब भक्तों के चरणों में मैं ये विनती करते हुए अपनी वाणी को यहां पर विराम देता हूं कि आप यहां पर जो आए हैं, आज से एक टर्निंग पॉइंट होना चाहिए हमारे जीवन में कि आज से हम कुछ बदलाव लाएंगे, आज से हम कुछ नया करेंगे, कि हमें ये जरूर अध्ययन करना है, कुछ श्लोक याद करने चाहिए, क्योंकि गीता का एक श्लोक याद करने का मतलब जानते क्या है, भक्ति का एक इंजेक्शन लगा लिया आपने, इंजेक्शन ज्यादा जल्दी काम करता है ना, डॉक्टर टेबलेट नहीं देता, इंजेक्शन देता है जब आप पास स्थिति हो। तो भगवद्गीता के इतने सुंदर सुंदर श्लोक हैं संस्कृत के माध्यम से, आपको याद होने चाहिए, आप गा सकते हैं। मुझे खुद अनुभव है क्योंकि मेरा ऑफिस यही सरोजनी नगर में ही था, कुछ साल पहले मैं यहाँ आता था, देखिए कहाँ, द्वारका से मैं यहाँ आता था, 25 किलोमीटर पड़ता था, और मैं देखता था कम से कम 40-45 मिनट लगते थे यहां तक आने में, और थकान हो जाती थी जब हरे कृष्णा में नहीं जुड़ा था,
लेकिन जब मैंने हरे कृष्णा से ज्वाइन किया और 100 श्लोक याद किए, वहां से यहां तक आने में 100 श्लोकों को खाली में रिपीटेशन करता था, तो जब यहां पहुंचता था तो ऐसा लगता ही नहीं था कि ऑफिस में आया, थकान हो गई ट्रैफिक में, यहां से घर गया, लगता ही नहीं था, क्योंकि जो संस्कृत जो भाषा है ना, वो हमें एकदम फ्रेश रखती है, कभी क्रोध काम लोभ इस तरह की भावनाएं आने देती। तो आप श्लोक याद कर लीजिएगा, माताएं जैसे रसोई में अपना खाना बना रही हैं, जितने भी श्लोक याद है उनको गाते रहिएगा, एक ही श्लोक को गाते रहिए, मान लीजिए एक ही श्लोक याद है, 100 बार गाइए एक श्लोक को, आप पाएंगे एक श्लोक भी आपने याद कर लिया ना ठीक से और उस पर मेडिटेशन किया, आपको कभी भी तनाव नहीं होगा जीवन में, अनुभव हमेशा एंजॉय लाइफ रहेगी आपकी। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम जीवन को सुख शांतिपूर्ण बना सकते हैं। लेकिन हम करते क्या हैं, हम जाते हैं मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास, वो बताएगा हमें, वो बेचारा कुछ नहीं बताएगा, जो मनोवैज्ञानिक चिकित्सक होते हैं वो खुद दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन असली मनोविज्ञान क्या है, मन का विज्ञान, कि हम इस संदेश को आत्मसात करें और जो जो नियम बताए गए हैं भक्तों के द्वारा उनको फॉलो करें। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आपका स्वागत है, कोई प्रश्न पूछना चाहे, कोई कमेंट्स देना चाहे, आपको कैसा लगा तो आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। तो पीछे है तो कहते ना, हाँ पूछिएगा, आपके पास माइक नहीं है छोटा? अच्छा अच्छा चलिए पास आकर के पूछ सकते हैं। हाँ ये श्लोक बनाओ, 6 पेज बनेंगे तो अगले दिन
जिसे छोटे पड़ेंगे हम एक पिछला कवर कर लेंगे, लेकिन अगर दरानी मेरा दूसरा कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ठीक है भाई, एक दिन छोटे पड़े अगले दिन आगे भी ना पढ़े, लेकिन पढ़ो जरूर समय निकालकर। जैसे माला अगर हमारी नहीं होती तो हम समय निकालते हैं ना, ऐसी पढ़ाई के लिए भी ये रेलवे ट्रैक की तरह से है। हम जपा करने से शुद्धिकरण आता है और अध्ययन करने से गाइडेंस मिलती है। जो भक्त खाली जपा करेंगे उनको गाइडेंस नहीं मिलेगी, और जो भक्त खाली पढ़ाई करेंगे जपा नहीं करेंगे उनको शुद्धिकरण नहीं होगा। तो ये रेल के ट्रैक की तरह से है दोनों कार्य, आपको पढ़ना भी पड़ेगा आपको जप भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक दिन नहीं पढ़ पाए या तो समय निकाल के रात में पढ़े या फिर अगले दिन उसको पूरा करें, ठीक है बाबू जी। इधर एक माता जी ने हाथ उठाया, यस माता पीछे, अच्छा माता जी ठीक है ठीक है, और ठीक है तो यहाँ पर हम विराम करेंगे बाबू जी, बम दे प्रे बाबू। हरे कृष्ण, तो पहले हम समझ रहे पहले से कि मेरे सौ से वो अच्छा काम नहीं कर रहा है और बाहर बाहर से कंपल्सरी भेज रहा है माया से माया का मुकाबला। मैं पहले बहुत लक्षण तो मेहनत करते हुए अच्छे प्रिपेयर करना, बोलने बहुत मेहनत करनी पड़ी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और बहुत धन्यवाद है प्रभु जी का कि इतने एफर्ट्स करके प्रभु जी हमारे को इतना महत्वपूर्ण संदेश दिया, बहुत फल रिक्वेस्ट दिए। तो हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रेम से उत्साह से हम प्रभु धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। किसी को प्रश्न है तो प्लीज अलग से मिल सकते हैं, अच्छा अच्छा कर सकते हैं। अब पूजा भी हुए हैं और साथ में स्वागत करना चाहेंगे पूजा के बगल भी आए हैं, पूजा के बड़े बगल तो हरे कृष्ण हम स्वागत करेंगे हम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सचिन गुप्ता प्रेम स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जल्दी तो स्वागत करेंगे आदि हरगी साधु लीला माता जी का, प्रभु धर्म पत्नी हरगी साधु लीला माता जी। माता जी मंदिर में बहुत अच्छा बजा रही थी, हमारे यहाँ कोई मजानी बात आ रही तो नहीं बताई नहीं भाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। बहुत विशेष धन्यवाद है हृदय सच्ची प्रभु प्रभु जी का और उनकी बड़ी स्ट्रांग टीम है, उसमें कुछ भक्त साथ में आए हैं, तो बहुत विशेष धन्यवाद है। तो हम अपने कार्यक्रम आगे चालू रखेंगे, तो प्रभु जी से उनके टीम के सदस्यों से प्रार्थना करते प्रसाद ग्रहण करें और किसी को प्रश्न है तो उनसे चर्चा कर सकते हैं। हर गेस मनोरंजन आते ही आगे आ सकते हैं प्लीज।